हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक एलडीआर सेंसर बनाकर दिखाऊंगा। इस एलडीआर सेंसर को आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस एलडीआर सेंसर को मैं एक पुराना चार्जर से बनाऊंगा। यह पुराना चार्जर तो आपके घर पर बहुत सारा पड़ा रहता होगा, तो फ्रेंड्स आप फेंकना नहीं इसको, इससे हम बहुत कुछ बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं इसका ढक्कन को खोल ले आऊँ चार्जर का। और फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्किट पर एक आईसी दिख रहा है आपको, आईसी जैसे दिख रही है, आईसी नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑक्टोकपलर होता है 4 पिन वाला। तो फ्रेंड्स इससे ही हम आज एलडीआर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ेगा, इसको निकल लेना पड़ेगा। उसके पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको इससे सर्किट से नहीं मिलता मोबाइल चार्जर का सर्किट से, तो आप एक 12 वोल्ट का जो चार्जर होता है वहाँ उसका वो सर्किट खोल लेना, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा ज़रूर। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं अभी इसको खोल लिया हूँ, तो अभी मैं आपको पिन डायग्राम दे देता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो एक नोड है ना, एक नोड छोटा सा, उस नोड से ही पिन चालू होता है। ठीक है, 1, 2, 3 और 4 इस तरह ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एकदम बीच बराबर काट लेना पड़ेगा। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं यहाँ पर काट लेता हूँ। फ्रेंड्स आप अच्छे से देख लेना कि हमें 3 और 4 नंबर का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमें 3 और 4 नंबर का लेग का ज़रूरत पड़ेगा, 1 और 2 को नहीं ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर एलईडी होता है, तो एलईडी का हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसको अच्छे से कट लेता हूँ, आप भी ऐसे कर लेना, आप प्लस से नहीं करना। ठीक है फ्रेंड्स, आप कुछ भी और कुछ यूज़ करना इसको काटने में, नहीं तो फ्रेंड्स टूट सकता ही है। ठीक है, आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कट लिया हूँ। फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक होल निकलेगा यहाँ पर, लेकिन अभी तक यहाँ पर होल नहीं निकला है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स हमें जब तक नहीं होल निकलता है, जब तक होल नहीं निकलता है, तब तक हमें ऐसे थोड़ा थोड़ा करके काटना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निकल रहा है क्या, रुक मैं देखता हूँ फ्रेंड्स, और एक बार काटता हूँ तो निकल जा सकता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो होल है एक छोटा सा, वो हमें दिख रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये पर आप देख सकते हैं। तो ये होल ही, ये इससे ही हमारा सेंस होगा। ठीक है, एलडीआर जो बनेगा इससे ही बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, ऑक्टोकपलर के साथ मैं 2 छोटा छोटा वायर को सोलर कर देता हूँ, ताकि कोई भी सर्किट को बनाने में आसानी हो इससे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको चेक करने में भी आसानी हो, क्योंकि छोटा छोटा पिन से तो हमें चेक करने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं दोनों वायर सोल्डर कर रहा हूँ छोटा छोटा। तो फ्रेंड्स मैं सोल्डर कर लिया हूँ दोनों वायर। तो अभी फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, एक मल्टीमीटर ले लूँगा। तो मल्टीमीटर लेके मैं इसको क्या करूँगा, 2000 जो रजिस्टर मोड है ना, 2000 के जो है, 2000 के, तो आप वहाँ पर इसको सेट कर लेना। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कहाँ पर मैं सेट किया हूँ, आप भी ऐसे मेरा जैसा कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको करने के बाद आप इसको रख देना, और फ्रेंड्स जो मल्टीमीटर का जो प्रूफ है उस पर मैं सोल्डर कर रहा हूँ इस ऑक्टोकपलर को, मतलब जो हमारा एलडीआर बनने चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसको दोनों प्रूफ पर दोनों वायर को सोल्डर कर दिया हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दोनों वायर सोल्डर हो चुका है। तो फ्रेंड्स अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, ये काम कर रहा है भी या नहीं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसको अच्छे से लगा देता हूँ, लगा दिया। तो अभी फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, मेरा स्टूडियो का जो लाइट जल रहा है, तो मैं अभी अगर उस ऑक्टोकपलर के ऊपर हाथ ले जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये ऑफ हो जाएगा। तो मैं आपको एक लाइट से आपको दिखा देता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब भी मैं इसके ऊपर हाथ ले जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है एकदम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और ये पर जब भी मैं लाइट ले आता हूँ, मतलब लाइट जितना ज़्यादा जब भी होता है, तो क्या होता है कि रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अच्छे से कि ये कैसे काम कर रहा है, और ये 100% एलडीआर का जैसा ही काम करता है, एकदम रियल एलडीआर का जैसा काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, एकदम सेम टू सेम रियल एलडीआर जैसे ही काम करेगा। ठीक है, तो आप इससे कोई भी सर्किट बना सकते हो बहुत इजी तरीके से। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको एक सर्किट बना कर दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि ये सच में काम कर रही है बनी, क्योंकि सबके पास तो मल्टीमीटर नहीं रहता। तो फ्रेंड्स इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक BC547 ट्रांजिस्टर ले लिया हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक 100K का रजिस्टर ले लिया हूँ, और फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो एक 4 वोल्ट का LED ले लिया हूँ, और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं एक 3.7 वोल्ट का मोबाइल बैटरी यूज़ कर रहा हूँ इसको सप्लाई देने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, बस इसी कंपोनेंट से हमारा बन जाएगा ये। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर मेरा ट्रांजिस्टर को लगा लिया हूँ, और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं 100K का रजिस्टर को लूँगा, और 100K के रजिस्टर को
ट्रांजिस्टर की बेस के साथ, मतलब बीच वाले पिन के साथ सोल्डर कर रहा हूँ, अब देख सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसके बाद फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, एलईडी ले लूँगा, जो एलईडी 4 वोल्ट का है उसको ले लूँगा, और एलईडी का जो माइनस पिन है, माइनस पिन को मैं ट्रांजिस्टर की एक नंबर पिन के साथ मतलब कलेक्टर के साथ सोल्डर करूँगा, और दूसरी बार को मैं रजिस्टर के साथ सोल्डर कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एलडीआर को ले लिया हूँ जिसको हमने अभी बनाया है, उसको मैं क्या करूँगा ट्रांजिस्टर की 3 और 2 नंबर पिन के साथ सोल्डर कर दूँगा, जो कि बेस और इमिटर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सोल्डर कर दिया हूँ, अभी आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स अभी मैं क्या करूँगा, 3.6 वोल्ट का बैटरी जो है उसका सप्लाई मैं अभी यहाँ पर कनेक्ट करूँगा। तो फ्रेंड्स मैं ट्रांजिस्टर की 3 नंबर पिन के साथ बैटरी का माइनस कनेक्ट कर रहा हूँ, और जो रजिस्टर और एलईडी का जो पॉइंट है वहाँ पर मैं पॉजिटिव को लगा दिया। तो आप फ्रेंड्स जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर्किट डायग्राम का। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं जब भी हाथ ले जाऊँ तो ये लाइट जल रहा है, तो मेरा स्टूडियो पे बहुत सारा लाइट है और मेरा बैटरी पे ज़्यादा चार्ज नहीं है, तो इसलिए फ्रेंड्स लाइट उतना अच्छे से नहीं जल रहा। तो मैं अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ कैसे आपको दिखा सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से दिखाने का। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप अच्छे से देखिए तो आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको एक लाइट, सभी लाइट को ऑफ करके एक लाइट को सिर्फ जला के मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेरा हाथ ले जाऊँगा तो जब ये मतलब अंधेरा होगा यहाँ पर तो ये लाइट जल रहा है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप ऐसे ही इस एलडीआर को यूज़ करके कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो, कोई भी मतलब एलडीआर से जो प्रोजेक्ट बनता है इसको आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।